दोस्तों इंटर मियामी में लुइस सुआरेज़ और लियो मेसी जो है वो भाई टर्न अप हो रहे हैं लाइक गुड ओल्ड डेज। आज की वीडियो में बात करेंगे उस अमेजिंग परफॉर्मेंस की ऑफ लियो मेसी एंड लुइस सुआरेज़ भाई साहब वर्सेस नैशविल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था इंटर मियामी के लिए। बार्सिलोना में मेसी की जर्सी 10 नंबर जो है वो हो सकता है किसी नए खिलाड़ी को देने वाले हैं बार्सिलोना वाले। कौन है वो नया खिलाड़ी आज की वीडियो में वो भी अपन बात करेंगे। भाई साहब गजब की जर्सीज जो है वो लॉन्च करी गई एडिडास के द्वारा, थोड़ी सी नज़र मारेंगे उन जर्सी के बारे में। और उस जर्सी में एकेजी भाई ने एडिडास की एक बहुत गंदी चालाकी जो है वो पकड़ी है। क्या चला कि पकड़ी है अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वी आल्सो वांट टू टॉक अबाउट भाई साहब यहां पे बेन वाइट वर्सेस साउथगेट का जो है वो कंट्रोवर्सी जो इंग्लैंड में हुआ है भाई साहब आफ्टर अनाउंसिंग द नेशनल टीम। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम डेली 7:30 बजे ऐसी फुटबॉल के अपडेट्स डालते रहते हैं। तो फुटबॉल फैन तो सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, और 110 के करवा दो यार दोस्तों, कुछ ही 100 सब्सक्राइबर्स रहेंगे, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। खैर चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो कहानी जो जम रही है भाई एडिडास के जर्सीज की। तो भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, हम ऑलरेडी जर्सीज के बारे में डेली वीडियो में बात कर रहे हैं। कल हमने एडिडास की जर्सी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की लीक हुई मैंने आपको बताया था उसके बारे में। परसों नरसों को एक वीडियो थी जिसमें हमने अर्जेंटीना की जो है वो कोपा अमेरिका की जर्सी का फाइनल रेंडर देखा था, बार्सिलोना की जर्सी। तो यू गाइस नो आई लव जर्सीज, है ना। तो अर्जेंटीना की जर्सी के बारे में मेरा यही मानना था उस वीडियो में जो मैंने डाली थी कि दोस्तों उसमें ना मतलब द किट इज लुकिंग वेरी क्लीन, बट दैट ब्लैक यू नो लाइन का जो है वो भाई ऐसा एलिगेंस वो मिस सा हो रहा है मुझको लग रहा था। ऑल दो मेनी ऑफ यू गाइज वर सेइंग उस वीडियो के नीचे के जी भाई आप डेलुलुलु हो रहे हो क्योंकि वो जर्सी बहुत अच्छी नजर आ रही है। आई गेस यू गाइज वर राइट भाई, आई वॉज लिटरली डेलुलुलु बिकॉज वेन आई सॉ मेसी ऑन दिस जर्सी भाई, तो नई जर्सी लॉन्च हुई एडिडास की अर्जेंटीना के लिए कोपा अमेरिका में, भाई साहब द जर्सी इज लुकिंग क्लीन एंड द जर्सी इज लुकिंग भाई साहब ब्यूटिफुल AF। दोस्तों वो ब्लैक लाइन ना होने के चलते ही जिसका मैं कंप्लेन कर रहा था, द जर्सी इज लुकिंग एंड स्टैंडिंग आउट टू बी सो क्लीन कि भाई अभी क्रेडिट कार्ड में दे रहा हूँ पैसे, काट लो भाई एडिडास भिजवा दो जर्सी प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ बिकॉज भाई द जर्सी इज लुकिंग वेरी कूल। यार वो बात सही होती है, जब तक आपने कितने रेंडर्स देख लेने हैं, जब तक आपने प्लेयर्स नहीं देखनी ना जर्सी में तब तक वो समझ में नहीं आता है भाई एडिडास की जर्सी में सच में प्लेयर्स सभी अमेजिंग लग रहे हैं। मेसी हो गया, डी पॉल हो गया, मैकलिस्टर हो गया, पॉलो डिबाला हो गया, भाई दी जर्सी इज लुकिंग क्लास। नॉट ओनली दी होम जर्सी बट दी अवे जर्सी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी क्लास बिकॉज अवे में पिछले साल जो वर्ल्ड कप वाला कहानी था उसमें थोड़ा सा पर्पलिश शेड गया था, है ना, इस बार का शेड ब्लूइश शेड है भाई। ओ हो ब्लू तो वैसे ही मेरा फेवरेट कलर है, और भाई अर्जेंटीना की जर्सी में द ब्लू इज लुकिंग ऑल्सो कूल। खैर ये हो गई बात एडिडास की अर्जेंटीना के लिए। एडिडास ने और भी कई सारे जो है सदर्न अमेरिकन नेशंस के लिए जर्सी लॉन्च करी बिफोर दी कोपा अमेरिका ऑब्वियसली। सो कोलंबिया, वेनेजुएला, जितने लोग जो है वो एडिडास की जर्सी पहन रहे थे सबको ही थे, लेकिन स्टैंड आउट अर्जेंटीना की हुई और हुई मैक्सिको की। अरे भाई मैक्सिको की दोनों जर्सी भाई, दोनों में एम्ब्रॉयडरी वाला काम हुआ है कुछ, समझ रहे हो ऐसा। मतलब जब एडिडास ऐसे जाते हैं ना, मतलब कि थोड़ा सा उनका स्टोरी डीप रहता है ना कि ये मैक्सिको के ट्रेडिशन में है ये एम्ब्रॉयडरी करना, ये कलाकारी करना, तो वो कलाकारी उनकी जर्सी में भी। अरे भाई तुम आग लगा देते हो एडिडास, मज़ा आ गया देख करके। सदर्न अमेरिकन नेशन में तो भाई आग नंबर वाली जर्सीज लगाई, फिर यूरोस के लिए यूरोप की भी जर्सी लीक करी भाई एडिडास ने जो है वो बाहर करी, जिसमें हमने जर्मनी की जर्सी देखी, तीनों किट जर्मनी की भाई इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल क्लास, गोलकीपर की भी लुकिंग वेरी क्लास। वी ऑल्सो वांट टॉक अबाउट भाई बेल्जियम की जर्सी, देखिए एक बार बेल्जियम की जर्सी होम और अवे, अवे भाई ब्लू शेड में, अरे भाई व्हाट एन क्लासिक जर्सी इट इज, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। ऑल्सो वी वन भाई साहब लुक अपॉन यहाँ पे जो है वो स्पेन की जर्सी, इट्स लुकिंग रॉयल इट्स लुकिंग क्लास। खैर इन जर्सीज के बारे में ना मैं एक प्रॉपर से रील और शॉर्ट बना करके डालूंगा। अब ना एक गलती जो एडिडास की मैंने पकड़ी और वो थी कि अपनी ये जर्मनी की जो गोलकीपर की जर्सी थी ना, इट वॉज लुकिंग सो गुड कि मैंने एक पल को सोचा कि यार ये जर्सी लेकिन ना मैंने कहीं देखी है, इट्स लुकिंग इतना गुड कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन ये गुड होने के बावजूद इसको मैंने कहीं तो देखा है। फिर मेरे को याद आया, अबे आज सुबह ही तो मैसी का गेम चल रहा था इंटर मियामी का, उसमें देखा हूँ कहीं। फिर मेरे को याद आया, अरे नैशविल का गोलकीपर सेम जर्सी पहना हुआ था जो जर्सी इन लोग टस्टिगन को पहना दिए हैं, जर्सी जस्ट सेम, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन चेंज किया। अरे एडिडास तुम निकल लोगे बहुत लोगों की नज़रों से, लेकिन एक ही जी भाई की पैनी नज़रें हैं इससे नहीं बचोगे। सेम किट भाई कॉपी कर दिया नैशविल के गोलकीपर और जर्मनी के गोलकीपर की, कहाँ नैशविल कहाँ जर्मनी नेशनल टीम बताओ भला, बट इट्स एडिडास एनीवेज। सो दी जर्सीज आर लुकिंग वेरी क्लीन एंड वेरी गुड, मेरे को तो मज़ा आया भाई जर्सीज देख करके।
ठीक है, बाकी लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब जो है वो दूसरी खबर। भाई नजर डालते हैं यहाँ पे अब जो है वो बार्सिलोना में 10 नंबर की जर्सी के बारे में। तो देखें दोस्तों, 10 नंबर की जर्सी ऑब्वियसली अंसु फाटी को दे दी गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली अंसु फाटी वैसे ही ला मासिया प्लेयर, अमेजिंग खिलाड़ी नजर आ रहा था, बट जब से वो 10 नंबर की जर्सी पाया ही गॉट फ्रिक्वेंटली इंजर्ड। वो भैया जो है वो इंजरी के चलते बहुत कम गेम से स्टार्ट कर पाया, वो क्वालिटी है उसके अंदर, बट फिर उसको शिप कर दिया गया ब्राइटन सो दैट ही गेट्स दिस गेम टाइम, और वहाँ भी इंजर्ड हो गया भाई। एनीवे सो दी जस्ट 10 नंबर की जर्सी अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो रही बार्सिलोना के लिए। देखें दोस्तों, ठीक है वो प्लेयर को देने की बात अलग है, लेकिन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, 10 नंबर की एक जर्सी आइकॉनिक जर्सी होती किसी भी क्लब के लिए, बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए जिसमें 10 नंबर की जर्सी मेसी को पहनाई गई है भाई, वो जर्सी हॉट केक्स के टाइप बिकती थी बार्सिलोना में, और बार्सिलोना बहुत पैसे कमाती थी उस जर्सी से। बट अनफॉर्चुनेटली सिंस दैट 10 नंबर की, यू नो 10 नंबर तो है नहीं अब बार्सिलोना में, तो कहीं ना कहीं वो जो एक फाइनेंशियल प्रॉफिट बार्सिलोना को 10 नंबर की जर्सी पर्टिकुलरली से मिलता था, अब वो मिल नहीं पा रहा है। सो बार्सिलोना इज थिंकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस टू गिव 10 नंबर की जर्सी टू सच अ प्लेयर जो वो प्रॉफिटेबिलिटी लेकर के आए वापस से जो है वो जर्सी के सेल्स में, एंड परफेक्ट प्लेयर समझ में आ रहा है लामिन यामाल। जोआन लापोर्ता ने पहले ही बोल दिया था कि मैं 10 नंबर की जर्सी उसी बंदे को दूंगा जो लामासिया से निकल करके आया, लामिन यामाल इज द परफेक्ट गाय, लेफ्ट फुटेड राइट विंग में खेलता है, मैसी के टाइप का कहानी है इसका भी। सो ही इज लुकिंग क्लास, ही इज लुकिंग वेरी गुड, एंड ऐसा यू नो इंटरनल डिस्कशंस बांधा जा रहा है कि 10 नंबर की जर्सी लामिन यामाल को दे देते हैं, बिकॉज वो प्रॉफिट्स जो है वो भाई बार्सिलोना को फाइनली लेकर के आएगा, प्रॉफिट्स देगा जर्सी बेचवा करके। नाउ यस आई डू अग्री ऑन दैट फैक्ट कि 10 नंबर की जर्सी का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फॉर अ प्लेयर, इट्स ह्यूज, यू नो यू आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द आइकॉनिक जर्सीज एट एफसी बार्सिलोना, एंड उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूज है। एंड बिफोर रिप्रेजेंटिंग 10 नंबर की जर्सी अंसु फाटी वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड, सो कहीं ना कहीं वो कर्स ना आ जाए लामिन यामाल के ऊपर, पीपल आर क्वाइट वरीड, बट एट द एंड इट जस्ट अ नंबर दोस्तों, तो उसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी बार्सिलोना सोच रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट्स एंड जर्सी सेलिंग कि भाई लामिन यामाल को 10 नंबर की जर्सी दे देते हैं। व्हाट आर योर व्यूज अपॉन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, वो है बेन वाइट और साउथगेट का जो है वो भाई कंट्रोवर्सी। तो देखें साउथगेट ने जो है वो इंग्लैंड की टीम को जो है वो अनाउंस कर दिया, जिसमें बेसिकली देखें द टीम वाज गुड, देयर वेयर सम ऑफ द एक्सक्लूजन्स जिसको लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, पीपल आर सेइंग कि कोबी माइनू को उसने नहीं लिया और हेंडरसन को ले लिया, हेंडरसन तो खेला ही नहीं भैया, एक्स में जाकर के जो है वो मछली फ्राई कर रहा है, तो आप क्यों हेंडरसन को जो है वो ले लिए, कोबी माइनू को नहीं लिए। जिसका रिप्लाई दिया साउथगेट ने पर्टिकुलरली, उसने कहा कि देखें कोबी माइनू भाई ब्रिलियंट यंगस्टर, वो बहुत अच्छा खेल रहा है और ऑल दी बेस्ट टू हिम, बट एक देखो यंगस्टर को कॉल कर लेना अच्छी बात होती है कई बार, लेकिन बहुत कम गेम्स खेला है कोबी माइनू, तो उतने कम गेम्स के हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि वो सही है। ऑन द अदर हैंड हेंडरसन भाई कप्तान रहे हैं इंग्लैंड के, एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, तो शायद उस चक्कर में बुला लिया होगा, बट कोबी माइनू के ना आने से जो है वो क्वेश्चन हो गई, बेन वाइट के ना आने से भी क्वेश्चन हो रही थी। फिर पता चला ऐसा कि आर्सेनल ने जो है वो साउथगेट को फ़ोन वगैरह करके ये बोल दिया कि बेन वाइट को आप मत लीजिए, क्योंकि बेन वाइट आना नहीं चाह रहा इंग्लैंड नेशनल टीम में, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। नाउ पीपल आर आस्किंग कि भाई ये कैसे कोई कर सकता, लाइक प्लेयर कॉल करके बोल दे रहा है कि भाई मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू भाई रिप्रेजेंट जो है वो इंग्लिश नेशनल टीम। अब ये चीज़ क्लियरिटी नहीं आई है कि ये जो बेन वाइट का एक्सक्लूजन है क्या वो केवल अभी फ्रेंडलीज के लिए है, जो अभी फ्रेंडलीज होने वाली है अभी इस इंटरनेशनल ब्रेक में, इंग्लैंड की होगी कुछ फ्रेंडलीज, केवल उसके लिए है या फिर यूरोस के लिए भी है, ये अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो फ्रेंडलीज के लिए ही है। अच्छा, साथ ही साथ ये हुआ कि बेन वाइट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आज ही अनाउंस करवा दिया आर्सेनल में, लाइक बेन वाइट ने नहीं कर पाया बट आर्सेनल ने कर दिया, तो वही कहानी आ गई कि यार देखो ये आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का जो है अनाउंसमेंट करवा रहा है, और एट द सेम टाइम भाई वो नेशनल टीम को ना बोल दिया, दैट मीन समहाउ ही इज़ यू नो प्रिफरिंग द क्लब ओवर द नेशन, जिसके चलते ही यू नो गेटिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश, एंड उसका जो है वो ऐसा छुच रिप्लाई तो आया नहीं है बेन वाइट की तरफ से, बट देखने वाली बात होगी। इवन साउथगेट एंड मतलब साउथगेट भी आया कि मेरी बात हुई थी बेन वाइट से और मेरे को वो उतना यू नो इंटरेस्टेड नहीं लगा कि वो मतलब इंटरेस्टेड है इंग्लैंड के जॉब के लिए, और इसलिए मैंने उसको कॉल अप नहीं किया। तो ये कहानी के चलते जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है बेन वाइट और साउथगेट और इंग्लिश नेशनल टीम में बेसिकली। अब देखने वाली बात होगी इसका क्या होगा, इज दी नॉन इंक्लूजन ऑफ बेन वाइट इज ओनली अप टू दी फ्रेंडलीज और इट्स फॉर दी यूरोज, अपन देखेंगे उस चीज़ को जो है वो भाई कुछ समय में, वो तो अपन को टाइम ही बताएगा। बट अ प्लेयर भाई साहब यू नो एट टॉप ऑफ हिस फॉर्म रिफ्यूजिंग टू भाई साहब पार्टिसिपेट इन द नेशनल टीम, इट्स जस्ट क्रेजी मैन, इट्स जस्ट क्रेजी। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है इंटर मियामी को सेव कर रहे हैं भैया
लियो मेसी और लुइस सुआरेस। मजा आ गया भैया गेम देख करके, बिकॉज इट वॉज अ डू और डाई मैच फॉर इंटर मियामी। एज आई टोल्ड यू गाइस, नेशविल के खिलाफ फर्स्ट लैग जो था वो ड्रॉ हुआ था 2-2, और उस ड्रॉ में भी जो है वो लियो मेसी ने बचाया था, लुइस सुआरेस ने बचाया था। सो कहीं ना कहीं इनके ऊपर दारोमदार था कि भैया आज भी आप सेव कर लीजिएगा, बिकॉज द डिफेंस ऑफ इंटर मियामी इज नॉट लुकिंग दैट गुड, बिकॉज येडलिन को इन लोग ने वो बेच दिया। आई रियली डोंट नो व्हाई, येडलिन को बेचने के बाद थोड़ी सी डिफेंसिव इंटर मियामी उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी, तो इसके चलते लग रहा था कि 2-2 गेम है, सेकंड लैग है, हार जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो अगर डिफेंसिव एरर्स होते हैं तो फिर भैया इंटर मियामी को टाटा गुड बाय कहना पड़ेगा। बट द गेम वाज गोइंग रियली वेरी गुड यार, डिफेंसिवली आल्सो इंटर मियामी लुक्ड क्वाइट स्ट्रांग, केवल एक ही गोल खाया बट दे स्कोर्ड 3 गोल्स, एंड द वेरी फर्स्ट गोल गेम फ्रॉम लुइस सुआरेस भाई साहब, 9 ही मिनट में ही टर्नड अप एंड भाई स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, एंड द सेकंड गोल केम फ्रॉम लियो मेसी यहां पे जो है वो 26 मिनट में। बच गया मच्छर साला, तो वही 25-26 मिनट में जो है वो फिर लियो मेसी की तरफ से गमाल का जो है वो गोल देखने को मिला। इन द सेकेंड गोल जो लियो मेसी ने स्कोर किया, इट वॉज अ स्ट्राइक भाई, ब्यूटीफुल स्ट्राइक, मतलब वो पावर था उस शॉट में जो मजा आ गया देख करके, गजब बॉल नहीं बनाया था जो भी असिस्ट दिया भाई लियो मेसी को, बट द गोल वॉज जस्ट द फिनिशिंग वॉज जस्ट ब्रिलियंट। सो दो गोल मार करके भाई इंटर मियामी को फाइनली जो है वो भाई आगे की जो है वो जर्नी में आगे टूर्नामेंट में पहुंचाया लियो मेसी एंड लुइस सुआरेस ने। लेटर ऑन लियो मेसी को सब आउट भी कर दिया था 50 मिनट में, देयर आर सम यू नो आप कह सकते हैं टेंशंस अराउंड हिज इंजरी, कहा जा रहा है शायद वो इंजर्ड है, लेकिन उस इंजरी का अपडेट मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा पूरे संक्षेप में, अच्छे से बताऊंगा कि वो इंजरी क्या है, क्यों है, एंड विल ही बी पार्टिसिपेटिंग विद अर्जेंटीना की नेशनल टीम और नॉट, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है। सो लियो मेसी के इंजरी अपडेट मैं आपको कल वीडियो में दूंगा 7:30 बजे ऐसे ही, बट हाँ उसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल दिया गया था 50 मिनट में, एंड लेटर ऑन फिर जो है वो टेलर ने भी एक गोल मार करके इंटर मियामी को 3-1 जो है वो गेम जिता दिया, जिसके बाद इंटर मियामी जो है वो 5-3 के जो है वो एग्रीगेट स्कोर के साथ अगले जो है वो भाग में पड़ जाते टूर्नामेंट के। नाउ टॉकिंग अबाउट लुइस सुआरेस एंड लियो मेसी, भाई दीज Both of the guys are just phenomenal भाई साहब playing for Inter Miami। अभी तक जो है वो लियो मेसी ने 5 गोल और 4 असिस्ट मार दिए हैं 5 गेम्स में, एंड लुइस सुआरेस ने जो है वो 4 गोल 5 असिस्ट मार दिए हैं 5 गेम में। अब आप देख रहे हैं इनकी जुगलबंदी, दोनों ने एक दूसरे को असिस्ट दिया है, 4 असिस्ट 5 असिस्ट, और 5 गोल लियो मेसी के भी हैं और 4 गोल जो है वो लुइस सुआरेस के भी हैं, 5 गेम्स में लोग आग लगा दिए, जस्ट लाइक गुड ओल्ड टाइम्स दोस्तों। मजा आ रहा है दोनों की जुगलबंदी देख करके। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, दिस इज शशि कनौट, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी कल हाँ लियो मेसी का अपडेट मैं आपको दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @AKGFootball। डीएनए भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ।